नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित मनीषाचार्य आज आपको मैं बताऊंगा वशीकरण के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस विधि को जानने के लिए पूरी वीडियो को बड़ा ध्यान से आप देखिए, एक बार नहीं चाहे दो बार देख लीजिए। और मेरा नंबर जो क्या है कि स्क्रीन पे दिया गया है वही मेरा नंबर है और मेरा कोई नंबर नहीं है। लोग कमेंट के अंदर क्या है कि अपने नंबर डालते रहते हैं, फालतू की बकवास क्या है कि करते रहते हैं। प्लीज़ इन चीज़ से क्या है कि आप अपना बचाव कीजिए। जो नीचे क्या है कि हमारा नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया है वही ओरिजिनल नंबर है, उसी नंबर के ऊपर अगर आपके साथ में कोई गलत बात होती है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। और इसके अलावा क्या है कि कोई भी अन्यथा नंबर पर अगर आप संपर्क करते हैं तो हमारी उस नंबर से कोई जिम्मेवारी नहीं है। फालतू में क्या है कि बकवास मारते रहते हैं कि आप क्या है कि उनमें ना कोई शक्ल दिखेगी ना। और अगर ओरिजिनल आदमी अगर काम करने वाला अगर होगा आपको तो वो बिल्कुल आपको सही विधि से जानकारी देगा और सही विधि से उपाय करेगा। उपाय हम भी करते हैं पर इसका हम क्या है कि चार्जेस लेते हैं। अगर किसी के पैसों की तंगी से या घर की तंगी से अगर आप खुद क्या है कि नहीं कर सकते हैं तो हमारे से संपर्क कीजिए। इसीलिए क्या है कि हम ये वीडियो और सरल उपाय आपको हम बताते हैं। और इस उपाय से क्या है कि आप अपना घर के अंदर शांति, खोया हुआ प्यार, हर चीज़ को क्या है कि पा सकते हैं, घर के अंदर शांति पा सकते हैं, ज़िंदगी के हर सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वशीकरण के बारे में। तो उसके लिए अपने को जो सामग्री चाहिए वो चाहिए काले रंग का धागा, एक काले रंग का धागा चाहिए। एक क्या है कि जिस इंसान को भी आप अपने बस में करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो चाहिए, और लड़की है तो लाल कपड़ा, लड़का है तो वाइट कपड़ा चाहिए, और एक चाहिए अपने को मटका। तो मटका क्या है कि बिल्कुल क्या है कि पवित्र होना चाहिए, यूज किया हुआ ना हो, बिल्कुल क्या है कि जैसे कुमार से अपने लेके आते हैं उसी तरीके से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो काला धागा है, काले धागे को आपने क्या है कि उस इंसान की फ़ोटो के ऊपर आपने लपेट देना है। लपेटने के बाद में आपने क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल यूज करना है कि उसके अंदर जो मटका है उसके अंदर आप क्या है कि गंगा जल से बिल्कुल पवित्र कर लें। अगर उसके हाथ भी खराब लगे हुए होंगे तो इस जल से क्या है कि इतनी शक्ति है कि वो बिल्कुल पवित्र कर देती है, कि गंगा पवित्र है और पवित्र ही रखती है। तो इसके अंदर क्या है कि जरा सा क्या है कि गंगा जल डाल के और इसको बिल्कुल क्या है कि साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद में क्या करना है, जो फोटो क्या है कि उसके धागा जो लपेटा हुआ है काले रंग का, उसको आपने इस मटके के अंदर रखनी है, बिल्कुल क्या है कि लपेट के इस मटके के अंदर रखनी है। रखने के बाद में आपने थोड़ा सा क्या है कि परफ्यूम या इत्र, इत्र या परफ्यूम आपने लेना है, उसे क्या करना है कि बिल्कुल इसी के अंदर डाल देना है। और डालने के बाद में आपने क्या करना है कि अगर लड़का है तो वाइट कपड़ा और लड़की है तो रेड कपड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसी तरीके से आपने क्या है कि इसे बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद में इसके मुंह के ऊपर कि किसी धागे से या रबड़ से क्या है कि इसे बिल्कुल बंद कर दें। बंद करने के बाद, क्योंकि ये बंद होगा तभी क्या है कि जब तक ये बंद रहेगा तब तक क्या है कि वो इंसान आपकी मुट्ठी में रहेगा, कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो क्या है कि आपको दूर कर सके उससे। और इसके बाद में इसको बंद करने के बाद में आपने क्या है कि सोमवार के दिन, सोमवार के दिन 12 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे के बीच में एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो मंत्र क्या है कि आपने उच्चारण करना है, और उस मंत्र की जो संख्या है वो है 11 बार, कोई ज़्यादा नहीं है। काली घाट काला पानी जाए, काली घाट काला पानी जाए, अमुक की वश विच लपट जाए, बस इतना शब्द ये आपने यूज करना है। उस इंसान की क्या है कि तस्वीर जो क्या है कि आपने इस मटके के अंदर रखी हुई है उसी को आपने अपने दिल में याद रखते हुए
अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, अगर वो क्या है कि अगर आपके कहने में नहीं चल रहा है या दोनों के बीच में कोई दूसरा इंसान आ गया है जिसके कारण से वो दूर चले गया है, तो इस उपाय को कीजिए। करने के बाद में तुरंत आपको इस चीज़ का क्या है कि रिजल्ट है वो मिलेगा, और इस चीज़ के इतनी मेरी गारंटी है कि ये उपाय क्या है कि कई लोग क्या है कि कर भी चुके हैं, जिनका मेरे पास डायरेक्ट कॉल आया है उनको मैं ये उपाय बताया है हुआ है। ये बिल्कुल अघोरी विद्या से निकाला हुआ टोटका है, और इस टोटके को अजमाने के बाद में आपको तुरंत लाभ होगा। इस बात का क्या है कि बिल्कुल मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप खुद अगर सही विधि से अगर करते हो इसे, तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो इस चीज़ का कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, और इसके बाद में इस मटके को आप कहीं पे भी या तो दबा दें, ऐसी जगह पे दबा दें जिसे क्या है कि मुड़ के अपने को निकालना ना पड़े, ऐसी जगह पे, और या ऐसी जगह पे अपने घर में रख लें कि इसे कोई छेड़े ना, और जब तक ये बंद रहेगा तब तक वो इंसान आपकी मुट्ठी में रहेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।